अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है इम्प्लिसिट इंटेंट्स क्या होते हैं। पहले मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट इंटेंट्स का, ठीक है। इंटेंट्स में दो टाइप्स होती हैं। जब भी हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाना है तो हम एक्सप्लिसिट इंटेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम देखेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन से बाहर मूव करना है, फिर चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे आपने किसी ऐप पर जाना हो, तो उसके लिए आप इम्प्लिसिट इंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इम्प्लिसिट इंटेंट हैं क्या, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पर हो, व्हाट्सएप पर देखें कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप कैमरा की ऐप पर चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ ऐप टू ऐप मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम फोन नंबर यूजर से एडिट टेक्स्ट में ले लेते हैं। जब हम बटन पे क्लिक करें तो वो डायलर वाली ऐप पे चला जाए, ठीक है, और वहां से नंबर डायल करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल, यूजर से कोई भी डाटा पिक करना है तो हम क्या लेते हैं, एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद अब हर एलिमेंट को मुझे विड्थ भी देनी पड़ती है, हाइट भी देनी पड़ती है। विड्थ मैं इसकी रख देती हूँ मैच पेरेंट, ठीक है, और उसके बाद इसको हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। हाइट असाइन करने के लिए डायरेक्टली हाइट की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे। हाइट को मैं कर देती हूँ जी रैप कॉन्टेंट, ठीक है। अब हाइट को मैंने कर दिया यहाँ पे रैप कॉन्टेंट, ठीक है। रैप कॉन्टेंट के बाद मैं यहाँ पे आई डी असाइन कर देती हूँ, ठीक है, ओके, आई डी असाइन कर देती हूँ, ठीक है। आईडी मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ, आईडी आप कुछ भी रख सकती हैं। मेरा एडिट टेक्स्ट है, मैं लिख देती हूँ ईटी, और फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मुझे पिक करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कोई प्लेस होल्डर लगाना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पे हिंट कॉल करना चाहते हैं, मैंने लिखा हिंट, एंटर, फ़ोन नंबर, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बटन कॉल कर लेती हूँ। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे बटन मैंने कॉल किया, मैं यहाँ पे विड्थ की प्रॉपर्टी कॉल कर लेती हूँ। विड्थ में मैं दे देती हूँ जी मैच करेंट, और हाइट दोबारा से कॉल कर लेते हैं, हाइट को कर लेते हैं रैप कॉन्टेंट। बटन को भी आईडी देनी पड़ेगी ताकि हम अगर बैक एंड पे कॉल करें तो आईडी के थ्रू कॉल कर सकें। मैंने आईडी दे दी, मैंने कहा जी VTN कॉल। बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखना है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दी। बटन के ऊपर लेट्स सपोज लिखना है जी कॉल, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, सही हो गया। ये मैंने फ्रंट एंड रेडी कर लिया। अब मैं बैक एंड पे जाती हूँ। बैक एंड पे जाने के लिए जब सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मैंने कहा जी एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, और एडिट टेक्स्ट में मैं फ़ोन नंबर ले रही हूँ तो मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक हो गया। देन मैं यहाँ पे बटन बना लेती हूँ, ठीक है। तो बटन के लिए पहले बटन का वेरिएबल कॉल किया, देन आपके पास है VTN कॉल ही रख देते हैं। बटन का जो भी वेरिएबल आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। देन आपको वेरिएबल्स के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, आईडीज फाइंड आउट करना। आईडी फाइंड आउट करेंगे हमारे पास, मेरे पास वेरिएबल है फ़ोन नंबर इक्वल्स टू, देन मैं कॉल कर लेती हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। उसकी आईडी को कॉल कर लेते हैं, आईडी क्या, r.id. मैंने एडिट टेक्स्ट कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट कॉल किया, सेम यही काम मैं बटन कॉल के साथ भी करूँगी। मैं उसकी भी आईडी फाइंड आउट करूँगी, तो मैं यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, r.id. ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लें, VTN कॉल को पिक कर लें, ठीक है। अब बटन पे ऑन क्लिक लिसनर, यानी जब बटन पे क्लिक होगा तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा। मैंने लिखा VTN कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मैं इस पर ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने ऑन क्लिक लिसनर अप्लाई किया, न्यू, देन आपने क्या करना है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। अब डाटा जो है वो मैं एडिट टेक्स्ट से लेना चाह रही हूँ। डाटा एडिट टेक्स्ट से लेने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ता है। फोन नंबर के लिए मैं बना लेती हूँ PN, ठीक है। अब फोन नंबर का एडिट टेक्स्ट जो था, जहाँ से मैं डाटा गेट करना चाह रही हूँ, वो मैंने वेरिएबल डॉट, ठीक है, उसके साथ गेट टेक्स्ट का मेथड कॉल करना पड़ता है आपको, एंड देन इसकी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो इंटेंट लगेगा, लेकिन ये इम्प्लिसिट इंटेंट होगा क्योंकि मैंने एक ऐप से दूसरी ऐप में जाना है, ठीक है। इंटेंट लगाने का वही तरीका है, सिर्फ आपके इंटेंट में इम्प्लिसिट में, आपके पास एक्सप्लिसिट में यहाँ पे दिस एक्टिविटी प्लस सेकेंड एक्टिविटी नेम, लेकिन यहाँ पे आपने अपना एक्शन पास करना है। एक्शन पास करने के लिए पहले इंटेंट की क्लास कॉल होती है, मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, सेंड है, व्यू है, कॉल है। अब मैंने कॉल के लिए इसको यूज़ करा तो मैंने एक्शन दे दिया कॉल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देना है, इंटेंट पास कर देना है जैसे आप इंटेंट लगाते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये जो डाटा है आपका, ये जो फ़ोन नंबर वाला डाटा है, वो आप डायरेक्टली लेकर जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है, तो उसके लिए आप सेट डाटा को कॉल करते हो, i.setData, ठीक है। यानी इंटेंट के साथ डाटा भी लेकर जाना है, सेट डाटा भी, ये आपके साथ URI मांग रहा है, लेकिन मेरा डाटा PN में है, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो मैं इसको URI में कन्वर्ट करूँगी।
मैं यहाँ पे लिखूंगी यू आर आई डॉट पार्स, ठीक है, और पार्स के बाद बीच में डाटा देना है, ये है मेरे पास फ़ोन नंबर, तो मैं टेल एंड देन कॉन्केटिनेट कर देती हूँ मेरा फ़ोन नंबर कहाँ पड़ा हुआ है पी एन वाले वेरिएबल में, मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अच्छा, फ़ोन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे काम हो गया, मैंने बटन में बताया कि ये जब मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा उसी नंबर को डायल करेगा डायलर वाली एप्लीकेशन में जाके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मुझे परमिशन देनी पड़ती है, मैनीफेस्ट में जाके आप परमिशन देते हो, एप्लीकेशन से ऊपर आपने एक टैग कॉल करना है यूजर्स परमिशन का, यहाँ पर आप परमिशन देते हैं, देखिए मेरे पास टॉप पर आ रही है फ़ोन कॉल की परमिशन, मैंने इसको पिक कर लिया, यहाँ से आप इसको परमिशन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परमिशन देने के बाद हम करेंगे अपनी एप्लीकेशन को रन और उसके बाद टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर रही हूँ। ओके जी, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट करके देख लेती हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह से आ रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास ये एप्लीकेशन है रिकॉर्डिंग वन के नेम से, जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें इंटेंट आई गेस नहीं डाला हुआ, साइनअप पे चले जाते हैं, डायरेक्टली अपना डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, जो भी हमने नाम वगैरह एंटर करना है, डिटेल्स अपनी एंटर कर दी क्योंकि वैलिडेशन लगी हुई है, ठीक है। मैंने साइनअप किया तो ये देखिए मेरे पास स्क्रीन आई जिसपे एंटर फ़ोन नंबर और कॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कोई भी फ़ोन नंबर 1234 कोई भी करती हूँ, ठीक है। एंड देन जैसे ही मैं कॉल पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, अब देखें जैसे ही मैंने कॉल पर क्लिक किया ना, मेरी एप्लीकेशन स्टॉप हो रही है, ठीक है। क्यों स्टॉप हो रही है, अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐप पर क्लिक करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, ऐप इन्फो में चले जाएंगे, चेक करें कि इसकी जो आपने परमिशंस देनी है वो अलाउ है या नहीं है, फ़ोन कॉल की परमिशन, अब परमिशंस में जाएं तो नो परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फ़ोन कॉल की परमिशन नहीं अलाउड, इससे पहले हम अलाउ करेंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद अब देखें फ़ोन परमिशन अलाउ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सेम काम वही परफॉर्म करेंगे, तो अब यहाँ पर साइनअप पर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आपने डायल करना है वो लिखेंगे, ठीक है। अब ये नंबर जो है जैसे मैं कॉल के बटन पे क्लिक करूँगी डायलर पे चला जाएगा, डायल होना स्टार्ट हो गया, देखिए एप्लीकेशन मूव की डायलर पे चला गया, ये नंबर डायल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और यही नंबर वो पिक करके भी गया, ठीक है। तो अब नीचे टोस्ट भी आ रहा है कॉल एंडेड का, ठीक है, वो वापस वो एप्लीकेशन पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी आपकी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन पहले जब आप करते हो तो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। वैसे अदरवाइज अगर आप इसको करो ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास ये एप्लीकेशन को आपको सेटिंग में जाके खुद से परमिशन जो है वो अलाउ करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियो है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें सेटिंग में जाके खुद से परमिशन अलाउ ना करनी पड़े, ठीक है, यानी कि हम खुद से ना उसे कहें कि अब परमिशन जो है सेटिंग में जाके बार बार यूज़र नहीं करता, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली परमिशन उसको असाइन करे, तो उसके लिए हमें डायलॉग बॉक्सेस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है परमिशंस को कॉल करते हैं, परमिशंस को असाइन करते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी आपने परमिशंस असाइन करनी होती हैं। देन अभी हमारे पास एप्लीकेशन चल रही थी, ठीक है, लेकिन अब हम परमिशन कॉल ऐड करते हैं। परमिशन कॉल ऐड करने का तरीका क्या है, परमिशन कॉल जब भी आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो वो आप किस तरह से ऐड करेंगे, अब मुझे हम होम पेज पर काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे होम पेज पे मैं वापस जाती हूँ। परमिशन कॉल ऐड करने का तरीका ये है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल कॉल के लिए डिक्लेयर कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल पब्लिक करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, स्टैटिक इंट मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया फ़ोन कॉल रख दिया, आप जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, उसको कोई भी रैंडम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उसे रैंडम वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने लिसनर बनाया, ठीक है, तो लिसनर के अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक डायरेक्ट इंटेंट पास किया हुआ, ठीक है। लिसनर के अंदर आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि आप उसमें कोई अपना एक्शन जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कहती हूँ एक्शन मेरा बाद में परफॉर्म हो, लेकिन अब पहले परमिशन चेक हो। परमिशन चेक करने के लिए मैं इफ़ लगाऊंगी, ठीक है, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट आप यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं मुझे परमिशन चेक करनी है तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट की, ठीक है, यहाँ पे मैं उसको कॉल करती हूँ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट, ठीक है। तो ये आपके बिल्ट इन क्लास है,
ओके कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल परमिशंस होती है, मैं चेक सेल्फ परमिशन कर लेती हूँ, मेरे पास टॉप पे आ रहा है चेक सेल्फ परमिशन, ठीक है। मैंने इसको कॉल कर लिया परमिशन चेक करने के लिए, देन आपने अपने यहाँ पे पहले वो कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, अपने पेज का नाम लिखना है, मेरी एक्टिविटी का नाम है होम पेज, ठीक है। मैंने होम पेज डॉट दिस कर दिया, ठीक है, इसी पेज पर हूँ मैं, मैंने इस एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपके पास सेकेंड पैरामीटर जो वो मांग रहा है, ठीक है, कॉमा लगाएं, सेकेंड पैरामीटर कह रहा है स्ट्रिंग परमिशन, ठीक है। अब आपको अपनी परमिशन कॉल करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ परमिशन कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। परमिशन डायरेक्ट कहाँ पे दी हुई है, मैनिफेस्ट में दी हुई है, मैं यहाँ से मैनिफेस्ट के फोल्डर को कॉल करती हूँ, ठीक है। डॉट देन आपके पास परमिशन को कॉल करेंगे हम, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट, अब कौन सी परमिशन कॉल करनी है, हमने कॉल फोन की परमिशन कॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कॉल फोन की परमिशन आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे ये परमिशन चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये परमिशन अगर तो अब मैच करना है ना, तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, परमिशन मैच करें और आप पैकेज मैनेजर से परमिशन चेक कर लें, ठीक है। परमिशन पहले हम वेरीफाई कर लेंगे, मैंने यहाँ पे पैकेज मैनेजर की क्लास को कॉल किया, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये आ रही है पैकेज मैनेजर, ठीक है। डॉट देन अगेन परमिशन कॉल करने के लिए आपके पास आपको परमिशन की क्लास कॉल करनी पड़ेगी, पैकेज मैनेजर में आपने लिखना है कि परमिशन ग्रांट हुई भी है या नहीं हुई भी। मैंने कहा इफ पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, अगर तो परमिशन दी हुई है तो फिर क्या होना चाहिए, अगर परमिशन दी हुई है, ठीक है, तो सॉरी अगर परमिशन नहीं दी हुई, ठीक है। अब क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया ना, तो मैंने कहा अगर परमिशन नहीं दी हुई तो आपने क्या करना है, अगर परमिशन नहीं दी हुई तो परमिशन देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट करने के लिए दोबारा से आप लगाएंगे एक्टिविटी कॉम्पैट, ठीक है। आप क्लास कॉल कर लें एक्टिविटी कॉम्पैट की, ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी कॉम्पैट, ठीक है, ये देखिए सेकंड पे आ रही है, इसको चूज़ कर लें, ओके डॉट। अब परमिशन की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, परमिशन की रिक्वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ कॉल करूँगी रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है। अब सेम मेरे से कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए आप अपने पेज का नेम डॉट दिस कर दें, मैंने लिखा होम पेज डॉट दिस, ठीक है, कॉमा। अब होम पेज डॉट दिस मैंने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब परमिशन के रिक्वेस्ट करने के लिए अब आपसे वो न्यू स्ट्रिंग परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो परमिशन देने का तरीका यहाँ पे ये है, न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, आपने अपनी स्ट्रिंग एरे को कॉल करना है, ठीक है, और स्ट्रिंग एरे के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर परमिशन दोबारा से लिखते हैं। अब परमिशन लिखने का तरीका क्या है, सेम वही मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट योर परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैनिफेस्ट डॉट परमिशन की क्लास को कॉल किया, ठीक है, और देन आगे परमिशन कॉल कर लूँगी मैं, इसको स्मॉल कैपिटल पी से कर रही हूँ, स्मॉल पी, ठीक है। परमिशन डॉट, कौन सी परमिशन आपको चाहिए, फ़ोन कॉल की चाहिए, मैंने कॉल फ़ोन की परमिशन जो है वो पिक कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल फ़ोन की परमिशन के बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब वो वहाँ से आपके पास से रिक्वेस्ट कोड मांग रहा है, मेरे पास रिक्वेस्ट कोड क्या था, फ़ोन कॉल का वेरिएबल मैंने रिक्वेस्ट कोड के लिए बनाया था, ठीक है, वो मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि भाई अगर तो मेरी परमिशन ग्रांट नहीं हुई भी तो परमिशन की रिक्वेस्ट कर दो, लेकिन अगर ग्रांट हुई भी है तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, एल्स। ये जो मेरा कोड है स्टार्ट एक्टिविटी का जहाँ पे मैंने इंटेंट लगा हुआ है, इसको मैं इनक्लोज कर देती हूँ एल्स में, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर तो परमिशन ग्रांट नहीं है तो परमिशन की रिक्वेस्ट करो, अगर परमिशन ग्रांट है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यूज़र से वैल्यू लेके इंटेंट चला देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक बिल्ट इन मैथड होता है परमिशन के लिए, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑन रिक्वेस्ट परमिशन जो है ओवरराइड करना है, ठीक है, अपना आपने मेन जो आपकी मैथड है ये ऑन क्रिएट के मेथड से बाहर आके, ठीक है, एक ओवरराइड करना होता है आपने मेथड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ, ये मेरे पास आ रहा है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, ठीक है, मैंने इसको ओवरराइड कर लिया, ठीक है। मैं इसको देख रही हूँ तो ये देखिए मैंने इसको पिक किया तो ये ओवरराइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा अगर तो ये मेथड मैंने ओवरराइड कर लिया, ठीक है, ओवरराइड करने के बाद देखिए सुपर में यही डायरेक्ट मेथड आपका कॉल हुआ है। अब आपने कंडीशन में अगेन चेक करना है, आपने ये देखना है इफ रिक्वेस्ट कोड जो आपका है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कोड जो मेरा यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखें ये पैरामीटर में इसको आपने मैच करना है। मैंने कहा इफ रिक्वेस्ट कोड इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोन कॉल, ठीक है, अगर ये रिक्वेस्ट कोड जो मेरा फोन कॉल का ऊपर वेरिएबल बनाया था उससे मैच कर जाता है, ठीक है, अगर तो उससे मैच कर जाता है तो फिर मैंने कहा फिर आपने नेस्टेड इफ लगानी है, ठीक है। एंड देन आपने आपके पास देखें यहाँ पे एक तो रिक्वेस्ट कोड है आपके पास, ठीक है, एक आपके पास परमिशन और एक ग्रांट रिजल्ट है, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट कोड को मैच कर लिया, रिक्वेस्ट कोड को मैच करने के बाद मैं ग्रांट रिजल्ट को मैच करूंगी। मैंने कहा जी ग्रांट
रिजल्ट, ठीक है। ग्रांट रिजल्ट की लेंथ को चेक करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसकी लेंथ को पिक करती हूँ, मैं कहती हूँ अगर तो उसकी लेंथ है जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं कहती हूँ अगर तो लेंथ ग्रेटर देन है जीरो एंड, ठीक है, और उसके बाद आपने ग्रांट रिजल्ट के इंडेक्स वाइज पिक करनी है वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा जी ग्रांट रिजल्ट के अगेन वेरिएबल को कॉल कर लिया, अब इंडेक्स वाइज वैल्यू पिक करने के लिए मैंने कहा जीरो इंडेक्स से वैल्यू पिक कर लो, अगर तो एग्जैक्टली इक्वल है। अब मैं दोबारा से परमिशन मैच करूँगी ग्रांटेड है या नहीं, तो परमिशन के लिए पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड को आप कॉल कर लेते हैं। पैकेज मैनेजर डॉट में कह देती हूँ परमिशन ग्रांटेड है मेरे पास या नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, ठीक है, कॉल कर देना। अगर तो परमिशन ग्रांटेड है तो कर्ली ब्रैकेट अगेन स्टार्ट करेंगे, परमिशन ग्रांटेड है अगर, ठीक है, अगर तो ग्रांटेड है तो उसके लिए आप जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर ग्रांटेड नहीं है तो आपको क्या शो करें। अब यहाँ पे देखें अगर तो ग्रांटेड है तो ये मेरा ऑन क्लिक लिसनर इधर लगा हुआ है, लेकिन अब मैं ये काम करती हूँ मैं इसको एक मैथड में इनक्लोज कर देती हूँ, ठीक है। वो कैसे, मैं सारे को कट करती हूँ पहले, ये जो आपके पास है ना यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने कर लिया जी यहाँ तक, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ तक, ठीक है, ये else तक इस पार्ट को मैंने कट कर लिया। यहाँ मैंने एक मेथड बनाया मेक कॉल का, फॉर एग्जांपल ये मैंने मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेथड मुझे एरर देगा क्योंकि ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, आप इस सजेशन पे जाएं क्रिएट मेथड मेक कॉल पे चले जाएं, मेथड एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप अनोनमस इन ऑन क्रिएट नहीं, ऑन क्रिएट में नहीं बनाना, होम पेज से बाहर जाके एक मेथड, वो जो मैंने कोड कट किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। वो मैंने पेस्ट कर दिया वहाँ पे, ऊपर कहा कि मेक कॉल का मेथड कॉल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ अगर तो परमिशन ग्रांटेड है तो मुझे अपने मेथड को कॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर तो परमिशन ग्रांटेड है ना, कॉल के मेथड को कॉल कर लें, ठीक है, परमिशन ग्रांटेड है तो ये काम हो जाए। अगर लाइक परमिशन ग्रांटेड नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे टोस्ट कर दे कि एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोस्ट शो करा देती हूँ, मैंने यहाँ पे कहा जी टोस्ट, ठीक है, मैं क्लास को पिक कर लेती हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं मैसेज शो करा देती हूँ एक्सेस डिनाइड का, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया एक्सेस डिनाइड, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और देखते हैं कि ये आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, एप्लीकेशन को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेरी अब आपको फ़ोन शो हो रहा होगा, ठीक है, ये मेरे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सेम अब मैंने परमिशन दी है तो मतलब मुझे परमिशन वाला डायलॉग शो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही डिटेल सारी एंटर कर लेती हूँ, ठीक है, और साइनअप करती हूँ। साइनअप के टाइम पर यहाँ पर नंबर डालें, ठीक है, जो भी आपने नंबर डालना है। कॉल पे क्लिक किया तो देखें पहले नहीं आ रहा था ये, पहले यहाँ पे स्टॉप हो जाती थी, लेकिन अब मैंने खुद वहाँ पे कोड लिखा है। मैंने कहा अगर तो परमिशन नहीं दी रही, अगर तो परमिशन वहाँ से डिनाइड है तो आपने यूज़र से पूछना है। अब देखें अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, ठीक है, अगर आप अलाउ करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी फ़ोन कॉल पर चला जाएगा। अगर आप डिनाई करेंगे तो फिर वहाँ पर एक्सेस डिनाइड का ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है, ये परमिशन है, इसमें हम इस तरह से काम करते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से जब भी आपने यानी कि परमिशंस को डील करना है, ठीक है, तो परमिशंस को आप इस तरह से डील कर सकते हो। यानी कि हमने क्या किया था, हमने सिंपल पहले देखा कि इंटेंट लगाते कैसे हैं इम्प्लिसिट, और उस इम्प्लिसिट इंटेंट में अगर आपने परमिशन का डायलॉग ऐड करना है तो वो किस तरह से, जाहिर बात अब आपका यूज़र ये तो नहीं कहेगा कि जाएगा आपकी सेटिंग में देखेगा फिर हर एक को परमिशन अलाउ करता रहेगा, ठीक है। जो नेसेसरी परमिशंस हैं वो आप अलाउ कर देते हैं, पहले मैनिफेस्ट में जाकर लिखेंगे एंड देन बाय कोड उसको एक्टिव करेंगे कि अगर परमिशन अलाउड नहीं है तो परमिशन की रिक्वेस्ट कर दें। तो वो जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, तो वो जब मैं अलाउ करूंगी तो वो अलाउ कर देगा, अगर मैं डिनाई करूंगी तो फिर आपकी एक्सेस डिनाइड हो जाएगी, क्लियर। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इम्प्लिसिट इंटेंट्स को कवर किया।